नेहरू युवा केंद्र नाशिक द्वारा आज बाभुळगाव येथील SND इंजिनिअरिंग अँड रिसर्च सेंटर येथे जिल्हास्तरीय युवा संसदेचे आयोजन करण्यात आलं होतं। यामध्ये 500 अधिक युवक युवतींनी मोठ्या उत्साहाने सहभाग घेतला। या प्रसंगी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून युवा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते मोहम्मद आरिफ खान उपस्थित होते, तर युवा समुपदेशक मंगेश निकम यांनी विद्यार्थ्यांना टिप्स दिल्या। प्रसंगी व्यासपीठावर कॉलेजचे प्राचार्य डॉ DM यादव, नेहरू युवा केंद्राचे जिल्हा युवा अधिकारी कमल त्रिपाठी, कवयित्री मीना शिंदे, शालिनी वालतुरे आदी मान्यवर उपस्थित होते। प्रसंगी सांस्कृतिक महोत्सवाचेही आयोजन करण्यात आले होते। नाशिक येथील आर्या ग्रुप यांनी प्रथम, हिरकणी ग्रुपने द्वितीय, तर SSMV महाविद्यालयाने तृतीय क्रमांक पटकावला। प्रथम क्रमांका स्मृतिचिन्ह व रोख रक्कम 5,000 रुपये, द्वितीय क्रमांका स्मृतिचिन्ह व रोख रक्कम 3,000 रुपये व तृतीय क्रमांका स्मृतिचिन्ह व रोख रक्कम 2,000 रुपये बक्षीस देण्यात आले। कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी डॉक्टर हरजित पवार, डॉक्टर US अन्सारी, PP रोकडे, डॉक्टर HS राणे, प्राध्यापक AP घोडके, राष्ट्रीय स्वयंसेवक रवींद्र बिडवे, राम उडीकर, मच्छिंद्र बणकर, सावली समाजसेवी संस्था पाटोदाचे अक्षय काळे, पवन घुले, सोमनाथ तणपुरे यांनी परिश्रम घेतले। महेश शेटे यांनी सूत्रसंचालन केले। स्टार 2 महाराष्ट्र न्यूजसाठी साकीर शेख येवला। जो पड़ोस युवा संसद है उसका उद्देश्य है युवाओं में लीडरशिप एवं उनके डेवलपमेंट का आगे बढ़ाना। तो उसी के तहत इस साल जैसे कि G20 में इंडिया की प्रेसिडेंसी है और उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है Y20, जिसमें कि यूथ को पॉलिसी मेकिंग से कनेक्ट करने का काम है। उसके बारे में अवेयरनेस एक सेशन के द्वारा की गई। इसके अलावा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट एवं लाइफ मिशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहती है, क्योंकि ये हेल्थ और क्लाइमेट से जुड़े हुए बहुत अहम मुद्दे हैं, तो उनके बारे में भी एक अवेयरनेस सेशन रखा गया था। इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज़ भी, ताकि यूथ अपनी रूट से जुड़ा रहे, आयोजित की गई थी। और हम उम्मीद करते हैं कि युवाओं के लिए हमारे द्वारा आयोजित की गई ये गतिविधियाँ उनको बेनिफिशियल। थैंक यू। भारत सरकार नेहरू युवा केंद्र नाशिक की तरफ से आज युवा सांसद का प्रोग्राम येवला तालुका में रखा गया था। इसमें G20, Y20 और कल्चर एक्टिविटीज़ रखा गया था और अलग अलग जगह से सभी युवा इसमें पार्टिसिपेट हुए हैं। और इसमें जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनके ज़रिए जो बताया गया है और युवाओं को प्रोत्साहन करना है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको लेकर जाना है और वहाँ उनको एक प्लेटफॉर्म देने की जो उनकी इच्छा है, तमन्ना है, उसको पूरा करने के लिए ये प्लेटफॉर्म दिया गया है। और इसमें काफ़ी युवाओं ने भाग लिए हैं और कल्चर एक्टिविटीज़ में भी अच्छे से पार्ट लेकर इसको कार्यों को सफल बनाया है। धन्यवाद। भारत सरकार मार्फत युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालयाच्या अंतर्गत जो नेहरू युवा केंद्र संघटन उपक्रम चालतो त्याअंतर्गत आज जिल्हा युवा संसदेचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं। त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना संसदीय प्रणाली काय असते, नवीन नवीन शासनाने ज्या योजना घोषित केलेल्या असतात त्या काय असतात, त्यांची अंमलबजावणी कशी असते हे माहिती व्हावी म्हणून हा कार्यक्रम आज येवला तालुक्यात आयोजित करण्यात आलेला होता, जगदंबा एज्युकेशन सोसायटीच्या SND कॉलेज येथे। आणि तो उत्साहात पार पडला। सर्वांनी विद्यार्थ्यांनी भरभरून सहभाग घेतला आणि सांस्कृतिक नृत्यांसह मार्गदर्शन हा एकमेव कार्यक्रम हा असेल, त्यामुळे सर्वांना आनंद सर्वांनी व्यक्त केला, त्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद। नेहरू युवा केंद्र सर्वांसाठी अशाच संधी नियमित घेऊन येत राहील।